अगर नेता कांग्रेस का हो तो सियासत के लिहाज से बीजेपी के लिए वो खराब है, दागी हो तो और भी खराब है। भारत माँ की रक्षा करने वाले करगिल के युद्ध में माँ भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? सवाल है मुंबई की एक इमारत का नहीं है, मुद्दा सामान्य आपके अपने सासू को, अपने परिवारजनों को फ्लैट दे दिए, इतना सीमित नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भारत की सेना के प्रति रवैया क्या है उसका सवाल है भाइयों। क्या देश के लिए मरने वाले जवानों की विधवाओं से भी आप छीन लोगे? लेकिन अगर वही कांग्रेसी नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो फिर भाजपा के लिए वो दाग भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि एक खास तरह की बनाई राजनीतिक वॉशिंग मशीन में जब नेता की धुलाई होती है तो दाग धुल जाते हैं। और अभी जिस नेता की नई नई धुलाई हुई है उनका नाम है अशोक चौहान, जो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जिन पर आदर्श सोसाइटी घोटाले का ऐसा दाग लगा था कि उनकी मुख्यमंत्री पद से विदाई हो गई। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चौहान अब भाजपाई हैं। उन्हें भाजपा में शामिल करने वाले हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके लिए अशोक चौहान कभी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। अशोक राव लीडर नहीं है, अशोक राव डीलर है। तुम्ही बघा, रॉकेल पासन तर पेट्रोल पंपापर्यंत डीलरशिप कोणाची, मोटरसायकल पासन मोटर गाडी पर्यंत डीलरशिप कोणाची, सगळी डीलरशिप त्यांची। हे डीलर आहेत, हे लीडर नाही आहेत। या नांदेडला लीडरची गरज आहे आणि या ठिकाणी लीडर म्हणून प्रताप पाटील चिखलीकरांना मैदानामध्ये आपण उतरवला। और फडणवीस ही क्यों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नांदेड में रैली करने गए थे तो उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अशोक चौहान और उनका आदर्श सोसाइटी घोटाला ही था। यहां महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था, इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। इन सबके बावजूद साल 2014 में अशोक चौहान नांदेड़ से लोकसभा की सीट जीत गए, सांसद बन गए, कांग्रेस की सेवा करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें उसका फल नहीं दिया, लिहाजा वो भाजपाई हो गए। लेकिन ज्वाइनिंग के वक्त पूरी तरह से भाजपाई शायद नहीं हो पाए। तभी तो देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने के बावजूद अशोक चौहान कांग्रेस की ही तारीफ करते रहे। महाराष्ट्राचे भाजपाचे अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, मुंबई कांग्रेसचे अध्यक्ष टोकाटाकी हुई तो चौहान फिर से भाजपाई हो गए। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर अशोक चौहान पर लगे आदर्श सोसाइटी के दाग धुल गए? और आदर्श सोसाइटी, बीजेपी हमेशा से परिवारवाद पर सवाल उठाती है, और अशोक चौहान भी तो परिवारवाद से ही निकले नेता हैं, क्योंकि उनके पिता शंकर राव चौहान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके, और वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। शंकर राव चौहान देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बावजूद अशोक चौहान को बीजेपी में शामिल करवाने को लेकर किसी भी बीजेपी नेता को कोई आपत्ति नहीं, उनको भी नहीं, जो पहले अशोक चौहान से दो दो हाथ कर चुके हैं और खूब भला बुरा कह चुके हैं। आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है कि महाराष्ट्र के एक बड़े ही कद्दावर नेता, जो कई बार महाराष्ट्र की विधानसभा में, देश के लोकसभा में चुनकर आए, अलग अलग विभागों के मंत्री के रूप में काम किया, महाराष्ट्र में दो बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ऐसे अशोक राव जी चव्हाण सर, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। बाकी तो कहानी यह है कि कांग्रेसी से भाजपाई बने अशोक चव्हाण के खिलाफ 3 मुकदमे लंबित हैं। 2 मुकदमे तो सीधे तौर पर आदर्श सोसाइटी घोटाले के हैं,
इनमें पहला मुकदमा तो सीबीआई की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2011 में दर्ज किया था और दूसरा मुकदमा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने साल 2012 में दर्ज किया था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से इस मुकदमे का ट्रायल भी शुरू नहीं हो सका। बाकी यवतमाल में भी अशोक चौहान के खिलाफ एक मुकदमा है जिसमें उनके अलावा 12 और लोग एक जमीन पर अवैध अतिक्रमण के आरोपी हैं। ये मुकदमा भी साल 2011 का ही है लेकिन अभी तक इसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। और कांग्रेस से बीजेपी में जाने वालों का जो रिकॉर्ड है उसे देखते हुए ये भी तय है कि अभी भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाकी जाते जाते एक आंकड़ा आपको और बता देते हैं कि अशोक चौहान कांग्रेस के वो 12वें पूर्व मुख्यमंत्री है जिन्होंने पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।